बिहार राज्य पशु टीकाकर्मी संघ के आह्वान पर प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय उमगांव के पशु टीकाकर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पशु अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना की अध्यक्षता रामाशीष यादव एवं संचालन मोहम्मद हबीबुल्लाह ने किया। धरना के दौरान टीकाकर्मियों ने सीएम नीतीश कुमार और पशुपालन मंत्री के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। टीकाकर्मियों का कहना है कि हम लोग दिन रात गांव में घूम घूम कर पशु का टीकाकरण करते हैं, लेकिन सरकार महज हम लोगों को न के बराबर पैसे देती है, वो भी साल बाद ही पैसा आता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाता है। टीकाकर्मी नवल किशोर ठाकुर, नाबसिस यादव, मोहम्मद हबीबुल्लाह, गणेश शाह, मोहम्मद कैसर बबलू, मोहम्मद तारिक, उदय प्रसाद, सरोज शाह, विश्व मोहन प्रसाद व नसीम अनवर आदि टीकाकर्मियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। जब तक हम लोगों का स्थायी नियोजन एवं मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। पिछले टीकाकरण का भी अब तक भुगतान नहीं की गई है। पीपीआर लंपी वायरस जैसे खतरनाक बीमारियों को मिटाने के लिए हम लोगों ने टीकाकरण करने के लिए दिन रात एक कर दी थी। सरकार हम लोगों से मुफ्त में काम करवा रही है। क्या क्या मांग है जो आप लोग आज अपने सरकारी अस्पताल है, जो पशु अस्पताल है, वहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं? हम लोगों को मांग है कि जल्द से जल्द शीघ्र पिछला भुगतान किया जाए। टैग हुआ 2020 में, उसका भी भुगतान बाकी रह गया। इसके बाद भी हम लोग टीकाकरण किए, लेकिन पैसा नहीं मिला। कुछ पैसा पिछले बकाया वाला कुछ मिला, लेकिन फिर बंद हो गया। हम लोग कहते हैं कि अब आएगा, छठ आया है तब मिलेगा, दीपावली आएगा तब मिलेगा, लेकिन मतलब पर्व बीता गया, लेकिन इस पर हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया। पैसा के लिए कोई नहीं सोचा कि पैसा, हम लोग काम करा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया, इसको शीघ्र भुगतान किया जाए, हम लोगों को मानदेय दिया जाए, कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर हम लोगों को खटाया जाए। और विशेष हम क्या कहें, हम लोगों को पेट नहीं भर रहा है। इस टीकाकरण करने से 4 रुपये मिलता है टीकाकरण में, इससे हम लोगों को पेट नहीं भरता है। और उसमें भी समय से काम नहीं लिया जाता है, 10 दिन 15 दिन का काम लिया जाता है, इससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। और न घर चलता है, न बाहर चलता है, कुछ नहीं होता है इससे। कब से आप लोग इस सेवा से जुड़े हुए हैं? कितने हम तो करीब 13-14 साल से हैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत, लेकिन अभी तक सही से काम नहीं। पहले तो हाथ से पैसा मिलता था, फिर जो है सो वो क्या कहते हैं बैंक के अकाउंट से देना शुरू किए, लेकिन उस देने के बाद भी अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ। कुछ देते हैं, कुछ रख लेते हैं, यही सरकार की नीति है। और कब से लगभग पिछला भुगतान 20 वाला बाकी है, अभी भी हम लोग पिछला काम किए थे उसका भी बाकी रह गया। और कुछ देते हैं, कुछ रह जाता है, यही सरकार की नीति है। आपका परिचय? नवल किशोर ठाकुर, टीकाकर्मी हरलाखी, बोरहर से, बोरहर पंचायत में हम हैं जी। हाँ, मेरा नाम रामाशीष यादव है, हम मैत्रिक से हैं जी। हम लोग को बिहार सरकार से मांग है कि हम लोग को उचित मानदेय मिले और सरकारी कर्मचारी के दर्जा में हम लोग को टीकाकर्मी और मैत्रिक को जोड़ा जाए। हम लोग कई वर्षों से 2007 से काम कर रहे हैं टीकाकर्मी का, जिसमें 50 पैसा वैक्सीन पर मिलता था, एक वैक्सीन पर 50 पैसा मिलता था। उस दिन से हम लोग इस बिहार सरकार के पशु चिकित्सालय में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। बकाया हुआ राशि जो है टीका पीपीआर का, टैग का, एफएमडी का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, बिहार सरकार से, कि हम लोग कई वर्षों से 14-15 सालों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग को पूर्ण ज्ञान, हम लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, सरकारी टीका दे रहे हैं, तो हम लोग को उचित मान दे, बाल बच्चा को जीने के लिए उचित मान दे, हम लोग को बिहार सरकार से मांग है। आप लोगों का सिर्फ टीकाकरण का काम है या और भी सरकारी जो काम है इसमें? हम लोग टीकाकरण भी करते हैं, टैग भी लगाते हैं और पशु गणना भी हम लोग करते हैं, भीड़ सर्वे का भी हम लोग काम किए हैं पहले, ये सब काम। और हम लोग कोरोना के अवस्था में हम लोग अपना जान पर खेला करके और इतना हम लोग टैग लगाए, अभी तक हम लोग को टैग का भी पैसा नहीं मिला है। परिचय तो आप दे दिए हैं। हम लोग को परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, यह कि हम लोग को सही समय पर पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है और मुफ्त में काम करवा रहे हैं। एक साल के लगभग हो गया है, कभी देता है कभी नहीं देता है। हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम कहाँ जाए, कहीं भी जाते हैं तो कोई काज भी नहीं कर पाते हैं और पैसा जो है तो नहीं दे रही। हम लोग को सरकारी
की दर्जा जो है तो बिहार सरकार अधिक करें, पूर्व का भुगतान किया जाए, तो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपका परिचय? विष्णुदेव पासवान, टीकाकरण हरलाखी। ये हम लोग यहाँ प्रथम वर्गीय पहुँच चुका है हरलाखी में, गाँव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एवं कई पूर्व में कई वर्षों से 2014 से ही कार्यरत हम लोग इसमें है। गवर्नमेंट द्वारा हम लोग उचित मुआवजा नहीं देने के कारण हम लोग ये हड़ताल के बैठे हैं और गवर्नमेंट हम लोग के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रही। ये बहरी गूंगी सरकार है। पूर्व में भी कई बार हम लोग धरना बैठे थे, आश्वासन दिया रहा चुनाव टाइम में कि आपका इस बार किया जाएगा, अगले बार किया जाएगा, कई वर्षों से लगातार करते आ रहा है, मगर इस बार सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। इसलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हम लोग सरकार उचित मुआवजा दिया जाए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद कैसर उर्फ बबलू, हरलाखी पशुपालन प्राधिक रह जाता है। तो हम लोग को यही कहना है सरकार से कि सरकार जो पैसा हम लोग को दे रही है उस पैसा से हम लोग को गुजारा नहीं चल रहा है। कृपया सरकार इस बात पर विचार करे कि हम लोग को जीवन यापन करने के लिए कुछ वो अपना तय करे कि हम लोग को जीवन यापन किस घर से किस आधार पर चले। आप कहाँ इसमें जो अभी बैठे हैं धरना प्रदर्शन, कहाँ काम कर रहे हैं? हरलाखी पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग में। कब से काम कर रहे हैं? हम 2019 से काम कर रहे हैं। क्या कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? 2020 में भी कार्य किए थे, उसका भी पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ। टैग लगाए वो भी पैसा नहीं मिला। इसी को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, कभी मिला कभी नहीं मिला। जैनून पैसा भी नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि बकाया पैसा भुगतान किया जाए। आपका परिचय? जी, मोहम्मद अब्दुल्ला, हरलाखी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।